अब देखो ये जो सॉल्यूशन है ये तो इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग है, यानी मैंने माइनस बाहर रखा है। अगर मैं प्लस लगा दूं और माइनस अंदर ले जाऊं तो ये मैंने बता दिया था आपको, इसके अकॉर्डिंग करने के तो माइनस थ्री और प्लस माइनस थ्री हो जाएगा, टू और प्लस आ जाएगा और ये माइनस फाइव है, वन प्लस टू हो जाएगा, वन में वन ऐड कर देंगे, माइनस फोर हो जाएगा, बीच में प्लस है और माइनस फोर हो जाएगा, सेवन और प्लस टू हो जाएगा। अब ये अपन कर लेंगे तो माइनस थ्री और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस के थ्री, तो ये कितने हो जाएंगे माइनस के सिक्स हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा जैसे ये, या फिर ये देख लो तो माइनस थ्री हो गया प्लस माइनस माइनस थ्री हो जाएगा, टू प्लस माइनस माइनस फाइव हो जाएगा, वन और ये प्लस के टू है माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी वन और इसमें ऑलरेडी से मैंने यहां कर दिया था तो ये भी हो जाएगा अपने पास में, ये माइनस फोर है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सेवन और ये माइनस ये सेवन प्लस टू बन जाएगा। फिर देखो माइनस थ्री ये माइनस के सिक्स हो गए, ये क्या बच गए माइनस थ्री और ये प्लस हो गए तो ये थ्री हो गए, और ये क्या हो गए टू और ये माइनस के एट और सेवन टू ये कितने हो गए नाइन। ये आप चाहे दोनों में से चाहे तो आप प्लस बाहर रखो अंदर माइनस ले जाओ, चाहे आप माइनस के अकॉर्डिंग करो, दोनों से सेम ही प्रोसेस होगी और दोनों से सेम आंसर आएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इफ ए प्लस बी इक्वल ये दे रखा है, ए माइनस बी इक्वल ये है, देन फाइंड मैट्रिक्स ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। इसमें देखो ए प्लस बी इक्वल ये है, इक्वेशन फर्स्ट डाल दी और ए माइनस बी इक्वल ये है। मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए प्लस बी एल एच एस पार्ट है वो एल एच एस मेड हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस आ जाएगा ए माइनस बी, और इसका ये है ए प्लस बी की वैल्यू तो ये यहां आ जाएगी प्लस ए माइनस बी की ये है। अब ब्रेकेट हटाएंगे तो प्लस ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ए माइनस बी रहेगा और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल, ये माइनस सेवन प्लस थ्री हो जाएगा जीरो और ये प्लस आ जाएगा और ये माइनस टू, टू हो गया और प्लस जीरो हो गया माइनस फाइव और ये प्लस के थ्री, ए और ए टू ए हो जाएंगे इक्वल, ये बचेंगे माइनस फोर, ये बचेगा माइनस टू और ये हो जाएगा टू, ये माइनस टू हो गया। अब ए फाइंड करना है तो आपको पता है मल्टीप्लाई में होता है वो किस में आ जाता है डिवाइड में, तो वन बाई टू हो गया, ये ऐसे कैसे है। अब आपको बताया था स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो वन बाई टू को जैसे ऐसे हो जाएगा वन बाई टू इंटू माइनस फोर, तो कितना बचेगा माइनस के टू बचेगा इसमें, तो ये माइनस टू हो जाएगा। इसको करेंगे तो टू से ही कैंसिल हो जाएगा माइनस वन आ जाएगा, इसको करेंगे तो वन बचेगा, इसको करेंगे तो माइनस के वन। अब अपन क्या करेंगे, ये जो ए की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में लगा देंगे चाहे आप सेकंड में लगाओ, तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, मैंने फर्स्ट में लगा दी तो ए प्लस बी फर्स्ट में लगा देंगे अपने ये वैल्यू, तो अपने पास में यहां से ए की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट ये है, ए की वैल्यू यहां मैंने पुट कर दी है ये, प्लस बी आपका ऐसा कैसे ही है इक्वल ये मेड्स आपके पास में, बी को मैंने यही रख लिया, ये पॉजिटिव वैल्यू है ये इधर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो माइनस हो जाएगा यहाँ। अब अपने पास में देखो यही है फिर से, अभी थोड़ी देर पहले लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसी की तरह हो जाएगा, जैसे अपने ये इसमें सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस सेवन माइनस आ गया और माइनस के टू, ये माइनस सात काम आएगा, जीरो हो गया ये माइनस है और ये एलिमेंट किसका है माइनस का, टू और ये माइनस इसके लगेगा तो माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस फाइव हो जाएगा, ये माइनस आ गया और ये माइनस वन हो गया। बी फाइंड करना है तो माइनस सेवन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू, जीरो माइनस माइनस प्लस और जीरो में वन ऐड करेंगे तो वन, टू में से वन गया तो वन हो गया, माइनस फाइव और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये रख दिया अपन ने, ये बचेंगे माइनस फाइव, ये वन है ये वन है, ये बचेगा माइनस के फोर, तो ए की वैल्यू अपने पास में ये है और बी की वैल्यू ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल ये मैट्रिक्स है बी इक्वल ये है, देन फाइंड मैट्रिक्स सी, सी फाइंड करना है वेर ए प्लस बी, ए प्लस टू बी प्लस सी इक्वल जीरो एंड जीरो इज ए जीरो मैट्रिक्स, जीरो है वो जीरो मैट्रिक्स है। अब इसमें जीरो मैट्रिक्स में ऑर्डर नहीं बता रखा कि कौन सा ऑर्डर लेना है, अब ऑर्डर नहीं बता रखा तो ए की वैल्यू देखो और बी की वैल्यू देखो, दोनों का ऑर्डर क्या अपने पास में, रो कितनी है वन टू और थ्री, कॉलम कितने हैं वन और टू, तो जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर अपन क्या ले लेंगे यहाँ पर, रो कितनी हो जाएगी थ्री और कॉलम कितने हो जाएंगे टू, तो यानी रो थ्री ले लेंगे और कॉलम कितने ले लेंगे टू। अब देखो ए की वैल्यू ये पुट कर दी मैंने यहाँ,
प्लस टू बी की वैल्यू ये पुट कर दी, प्लस सी अपने को फाइंड करना ही है, तो सी हो गया इक्वल, प्लस सी इक्वल जीरो मैट्रिक्स की अपन वैल्यू बना लेंगे, तो अपना थ्री एंड टू का क्या बनेगा, ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू और ए थ्री वन और ए थ्री टू, थ्री रो गई और टू, और जीरो मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो, जो कि जीरो मैट्रिक्स के डेफिनेशन में मैंने बता दिया था कि ऐसा कैसे, ये टू अंदर जाएगा, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, माइनस के टू हो जाएंगे और ये जीरो हो जाएगा, प्लस सी हो गया इक्वल, ये ऐसा कैसे, ये दोनों ऐड होंगे इसमें, तो वन प्लस क्या हो जाएगा फोर, थ्री प्लस टू, टू प्लस टू, वन प्लस फोर और थ्री, और ये प्लस हो गया ऐड करना है, और ये माइनस टू, माइनस वन हो गया, प्लस जीरो हो जाएगा, प्लस सी इक्वल ये मैट्रिक्स है सी के सी। अभी ये ऐड कर देंगे तो ये फाइव हो गया, ये फाइव, फोर हो गया, ये फाइव हो गया, ये वन, ये माइनस वन, प्लस सी इक्वल ये चल रहा है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये पॉजिटिव है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये ऐसा कैसे, ये जीरो, ये माइनस हर एक एलिमेंट के लगेगा तो माइनस फाइव, जीरो ये माइनस फाइव हो जाएगा, जीरो ये माइनस फोर हो जाएगा, जीरो और ये माइनस फाइव हो गया, जीरो ये माइनस वन हो जाएगा, जीरो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो माइनस के फाइव, माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस वन और ये माइनस माइनस प्लस, तो जीरो वन कितना हो जाएगा वन, यही आपकी सी की वैल्यू है, तो सी इक्वल आपका ये आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल ये है, बी इक्वल ये है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री ए स्क्वायर माइनस टू बी, ये फाइंड करना है, ये है अपने पास में, तो सबसे पहले मैंने ए स्क्वायर बनाया, तो ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, तो थ्री ऐसा कैसे है, ए स्क्वायर की जगह मैं ये यूज करूंगी, ए इंटू ए, तो ए की वैल्यू रख दी, फिर से मैंने ए की रख दी, माइनस टू बी की वैल्यू ये पुट कर दी, यानी यहां से ए की वैल्यू लगा दी। अब थ्री ऐसा कैसे है, रो को किससे करना है, कॉलम से, तो टू इंटू टू, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस वन को किससे करेंगे थ्री से, तो माइनस वन इंटू थ्री, फिर से इस रो को किससे करना है, इस कॉलम से, तो टू इंटू माइनस वन, माइनस वन इंटू टू, और इनके बीच में प्लस आता ही है, थ्री को किससे करेंगे टू से, प्लस हो गया, टू को किससे करेंगे थ्री से, फिर इसको इससे करेंगे तो थ्री इंटू माइनस वन, टू इंटू टू हो गया, माइनस ये अंदर ले गए तो टू को जीरो से करेंगे जीरो, टू फोर जा एट, इसको करेंगे तो माइनस टू, टू सेवन जा फोर्टीन, इसमें माइनस मैंने बाहर रखा है फिलहाल, कॉन्स्टेंट वैल्यू को ही अंदर लेके गई हूं, थ्री टू टू जा फोर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और थ्री हो गया, टू को माइनस वन से करेंगे तो माइनस टू और ये भी माइनस टू हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स हो गया, माइनस थ्री प्लस फोर हो जाएंगे और ये ऐसा कैसा ही है, थ्री ये वन बचेगा, ये माइनस फोर हो गए, ये ट्वेल्व हो गए और ये वन बचेगा, ये ऐसा कैसा ही है। अब थ्री को अंदर लाई तो थ्री वन जा थ्री हो गए, थ्री को इससे करेंगे तो माइनस ट्वेल्व, ये हो गया थर्टी सिक्स, थ्री वन जा थ्री और ये ऐसा कैसा ही है। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है यहां पर इसके अकॉर्डिंग, तो थ्री और ये माइनस इसके लगेगा, तो थ्री माइनस जीरो, माइनस ट्वेल्व और ये माइनस इसके लगेगा तो माइनस के एट, थर्टी सिक्स है अपना, ये माइनस आ गया और ये माइनस टू हो जाएगा, थ्री है अपना, ये माइनस यहाँ आएगा तो माइनस हो गया और ये कितना हो गया फोर्टीन, थ्री में से जीरो गया तो क्या हो गया अपने पास में थ्री, माइनस ट्वेल्व और माइनस के एट कितने हो जाएंगे अपने पास में माइनस ट्वेंटी, थर्टी सिक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और टू, थर्टी सिक्स और टू कितने हो जाएंगे थर्टी एट और ये कितने हो जाएंगे माइनस के इलेवन। क्वेश्चन नंबर फाइव है, इफ ए इक्वल ये है, बी इक्वल ये है, देन शो दैट ए बी नॉट इक्वल बी ए, प्रॉपर्टी में अपने पास में पहले ही आ गया था कि ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं आएगा, पहले प्रॉपर्टी आ चुकी है ऐसी मल्टीप्लाई के लिए मैट्रिक्स में, उसमें देख लेना आप, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सबसे पहले मैं ए बी फाइंड करूंगी तो ए बी को रख लिया, ए की वैल्यू यहां पुट कर दी और बी की वैल्यू यहां पुट कर दी, रो को किससे करना है अपने को, कॉलम से, तो रो को कॉलम से करना है, तो इसको देखो जीरो इंटू जीरो हो जाएगा, वन को वन से करेंगे तो वन को वन से करेंगे तो वन हो जाएगा, टू टू जा फोर और थ्री थ्री जा नाइन,
फिर इस रो को इस सेकंड कॉलम से भी करना है, तो 0 को 3 से करेंगे तो 0, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 2 को 1 से करेंगे तो 2, 3 को 0 से करेंगे तो 0। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 0 को 3 से करेंगे तो 0। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से भी करना है, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 को 1 से करेंगे तो 1 और 0 को 0 से करेंगे तो 0। अब देखो 13 1 14 और ये 2 2 4 हो जाएंगे, 2 2 4 हो गए और ये कितना हो गया 14। ये इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अपन क्या फाइंड करेंगे, बी ए, तो बी की वैल्यू रख दी और ए की रख दी। ये रो है, रो को किससे करना है, कॉलम से, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा और 3 2 जा 6। फिर ये इससे कर ही दिया, इसको इससे भी करना है, तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब सेकंड रो को भी करना है इस कॉलम से, तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 3 जा 6। फिर इसको करेंगे 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 3 से करेंगे तो 3, 2 को 2 से करेंगे अपने पास में ये हो जाएगा, सेकंड इससे लेंगे, 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 1 को 0 से करेंगे तो 0। फिर इसको करेंगे 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 0 को 2 से करेंगे तो 0, 3 2 जा 6 और 0 को 1 से करेंगे तो 0, 3 3 जा 9 और ये क्या हो जाएगा 0। ऐड करेंगे तो ये 9 है, ये 6 है, ये 3, ये 0, 6 हो गए, 2 2 कितने हो गए 4, ये हो गए 3, ये 3 है, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 और ये 9। अब आप देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में अपने पास में ए बी की वैल्यू ये है और सेकंड में देखो बी ए की वैल्यू अपने पास में ये है, क्या ए बी बी ए के इक्वल है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा ए बी नॉट इक्वल बी ए, यानी ए बी किसके इक्वल नहीं आया, बी ए के, और यही अपने को क्या करना था, शो करना था। नेक्स्ट अपन कल देखेंगे।